हेलो गाइस, सो विंटर इज हियर। तो इस विंटर में आपको तकिया, कंबल और स्वेटर के अलावा और एक जो चीज चाहिए वो है कॉफी। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके साथ नेस्कैफे का अल्टीमेट कॉफी किट। ये शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए जल्द से जल्दी इसका अनबॉक्सिंग कर लिया जाए। और हाँ, इसमें एक स्पेशल चीज दिया गया है, वो है एक फाउंडर और जो भी चीज, मेरे को नहीं मालूम कुछ क्या बोलते हैं इसको, ऐसे जो घूमता है चक्री की तरह। ओके, चलिए इसको खोल के हम आपको बताते हैं ये क्या चीज़ है। और इसके लिए मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये किट, हालांकि मेरे को 100 रुपये ज़्यादा लग गया इसके लिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, इसका पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का है और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। किसी को अगर गिफ्ट करना हो तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा और बहुत ही बड़ा है, तो आप बहुत अच्छे गिफ्ट भी कर सकते हो इसे। प्राइस देख सकते हो, 699 का लिया है। और इधर कुछ कॉफ़ी मेकिंग का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिसको जिसको नहीं मालूम कॉफ़ी कैसे बनाते हैं और पीते हैं, तो आप वो देख सकते हो। और सामने ऐसे कॉफ़ी का बहुत बढ़िया एक डिज़ाइन। तो चलिए इसका जो वस्त्र है वो हम अभी हटाते हैं और इसके अंदर जाके देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। वाह, पहले ही हमारा कॉफ़ी आता है, उसके बाद ग्लास, उसके बाद ये फोडर और एक स्पून। बहुत नाइस, बहुत बढ़िया पैकेजिंग के साथ, बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का भी लग रहा है। तो चलिए, पहला जो हमारे पास आता है वो नेस्कैफे का कॉफ़ी का एक डब्बा, जिसमें आपको 100 ग्राम कॉफ़ी मिल जाएगा और नीचे लिखा होगा नॉट फॉर सेल। ओके, नेक्स्ट जो आएगा वो है कप। वाह, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, भारी भी है थोड़ा सा, और अंदर देख सकते हो एल्यूमिनियम का जो ऐसे कोटिंग है, आपको ये गर्म भी रखेगा। स्पॉन्ज भी लगा हुआ है नीचे और लिड, शायद 1 घंटा 1.5 घंटा तक आपका कॉफ़ी इसमें गर्म रह जा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का भी दिया है, ठीक है, कि आपको ऐसे उठा सकते हो आप और वहाँ से पी सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्पून। ये भी मेरे को लगा नहीं था इतना डिसेंट क्वालिटी का होगा, लेकिन ये सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड है। तो अभी निकालते हैं वो टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन नमूना जो एक कॉफ़ी किट के अंदर दिया गया है, एक फोल्डर। बाकी तो ये थोड़ा चीप क्वालिटी का मेरे को लग रहा है, बैटरी भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो चलिए पहले बैटरी लाते हैं। ओके, तो सेल मैंने ला लिए है, अभी इसको हम डालेंगे अंदर। डालेंगे कैसे? ओ अच्छा, इधर लिखा हुआ है पहला वाला जो है नेगेटिव है, और नेगेटिव पर पहले जाएगा, उसके बाद में जाएगा पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर देख के, मार्क देख के इसको डाल लेना सेल ठीक तरीके से, और पीछे वाला कैप जो है टाइट से लगा देना। अब चालू करते हैं इसको। वो वाओ, बहुत ही तेज़ घूमता है। बाकी साउंड आप तो देख ही सकते हो, मेरे को तो लगा था चीप क्वालिटी का होगा, लेकिन अच्छा ही तो दिख रहा है, बहुत ही तेज़ घूम रहा है। ओके, अब देख सकते हो बहुत ही तेज़ी घूम रहा है। तो चलिए, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं कैप लगाने में गलती कर दिया, कैप को ठीक तरह से लगा लेना, नहीं हुआ और एक बार लगा लेता हूँ, अभी ठीक है। तो अभी चलिए घुमा के देख लेते हैं, सब सही है। अभी क्या करते हैं, हम आपको कॉफ़ी बना के दिखाएंगे इससे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉफ़ी मेकिंग प्रोसेस। तो अभी इस सारे चीज़ों का हम करते हैं साइड में, और कॉफ़ी बनाने के लिए आपको जो चाहिए, पहले चाहिए ये फोल्डर मशीन और एक कप और कॉफ़ी, उसके बाद आपको चाहिए गर्मा गर्म मिल्क। ओके, तो पहले हम ले लेते हैं 1 स्पून, नहीं पहले लेबल हटा लेते हैं, लेबल नहीं एक्चुअली सील है ये। ओके, तो सील हटाने के बाद हम यहाँ से लेंगे 1 स्पून एंड और थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, इतने कॉफ़ी में आई थिंक हो जाएगा। अब उसमें ऐड करते हैं शुगर। शुगर मेरे को 2 स्पून चाहिए होगा, तो हम 2 स्पून शुगर ऐड कर देंगे इसमें। अब डालेंगे ये मिल्क।
मिल्क जो है मेरा वो मैं पाउडर मिल्क लिया है और इसमें पानी मिला के ऐसे मिल्क बना लिए है। आप चाहे तो काओ मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी चलते हैं इस नमूने के इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं। ओह सॉरी सॉरी माय बैड। इसको पहले अंदर डाल लीजिएगा उसके बाद इसको चालू कीजिएगा, नहीं तो ये बाहर बहुत गंदगी मचा देगा। तो जैसे कि आप अंदर देख सकते हो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, बहुत ही स्पीड है इसका। और वो वाओ ये फोम बना दिया ऑलरेडी। तो चलिए और थोड़ा सा बनाते हैं। एक्चुअली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा ये फोम बना पाएगा। मैं इसमें पाउडर दूध डाले, आप चाहे तो काओ मिल्क भी डाल सकते हो। एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ काओ मिल्क, ठीक है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे घर में एक गाय है लेकिन वो दूध देना बंद कर दिए रिसेंटली। पता नहीं उसको किसी ने जाके कह दिया कि तुम्हारे दूध से ये लोग चाय कॉफ़ी ऐसे बना के पी जाते हैं। बहुत हराम ही होते हैं लोग जो ऐसे गाय से बतियाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें वो वाओ काफ़ी फोम बना दिया है इसने, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। चलिए और थोड़ा सा घुमा लेते हैं, देखते हैं और थोड़ा सा फोम बन जाए तो। लेकिन आप देख सकते हो बहुत फोम अभी भी बन चुका है। और थोड़ा सा अंदर डाल के घुमाते हैं इसको, इस बहुत तेज़ी से घुमाता है, ठीक है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा। दिखने में तो मेरे को चीप क्वालिटी का ही लग रहा था लेकिन बहुत ही बढ़िया है। हालांकि सेल आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है और चार्ज रिचार्जेबल नहीं है। आप चाहे तो रिचार्जेबल सेल भी यूज़ कर सकते हो इसमें। ओके तो आप देख सकते हो अभी बहुत ही ज़्यादा फोम बन चुका है और बहुत ही अच्छे दिख भी रहा है मेरा कॉफ़ी। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा होता है। बहुत ही ज़्यादा थिक फोम है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा अभी दिख भी रहा है, दुकान के कॉफ़ी जैसा आपका बन गया है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। वैसे तो बहुत ही बढ़िया लगा ये कॉफ़ी मेरे को। वैसे पहले बार मैंने बनाया है अपने हाथों से ऐसे फोम वाला कॉफ़ी, और इसके लिए तो एक थम्स अप बनता ही है। तो वैसे आप ऐसे इसका लीड लगा के उसको रख सकते हो ताकि बहुत देर तक आपका कॉफ़ी गर्म रहे और जब भी आपको पीने का मन करे तब ऐसे कैप को हटा के पी सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने कॉफ़ी पीने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। और चैनल के नीचे ऐसे रेड कलर का बटन दिखेगा जिसमें यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा देना। बाकी ये बड़ी मस्त चीज़ है ये किड्स, डोंट ट्राई दिस एट होम।